चैनल, मैं हूं अमजित कौर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक ऐसा गोल्ड फेशियल जिससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आ सकता है, एकदम ग्लो आ सकता है, जिससे आपके चेहरे के ओपन पोर्स एकदम टाइट हो जाएंगे, चेहरा एकदम निखर जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपको चार स्टेप फॉलो करने हैं। चारों स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर स्टेप को आपने बड़ी प्रॉपरली से करना है ताकि आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार और ग्लो आ सके। तो दोस्तों, अपने फेस पर एक बहुत अच्छी शाइन देखने के लिए इन चारों स्टेप को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे कीजिए, आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आ जाएगा इस गोल्ड फेशियल से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस गोल्ड फेशियल को हमने किस तरह से करना है। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों, पहले स्टेप में आपने अपने चेहरे को प्रॉपरली क्लीन कर लेना है। आप कच्चे दूध की सहायता से भी अपने चेहरे को प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, गुलाब जल की मदद से भी अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं ताकि आपके चेहरे से डस्ट निकल सके। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेप में हमने चेहरे पे करनी है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमें एक चम्मच चाहिए हनी, जो हमारे चेहरे पर एक शाइन लेकर आता है, ग्लो लेकर आता है। और उसके अंदर हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे, जिसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होने के कारण ये हमारे चेहरे से बैक्टीरिया को खत्म करता है, नष्ट करता है और चेहरे पे काफी अच्छा ग्लो लेकर आता है। और इसके अंदर हम एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे, जिसमें होती हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, जो आपकी स्किन को लाइट करेगा और स्किन को ब्राइट बनाने में काफी मदद करता है। और अब हम इसके अंदर एक चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा डालेंगे, जो हमारी स्किन से डस्ट को निकालेगा, ओपन पोर्स को टाइट करेगा। ओपन पोर्स में जो डस्ट फंसा होगा उसे निकालने में और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकालने में काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, आपने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें डालना है आपने गुलाब जल, ताकि इसका एक स्क्रब तैयार हो जाए। आपने इस स्क्रब की 5 मिनट तक अपने चेहरे पे प्रॉपरली मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है, चेहरे पर स्क्रब को रगड़ना नहीं है। तो दोस्तों, 5 मिनट के बाद आपने इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है और फिर ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए हम लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी जो हमारे चेहरे को क्लीन करती है, स्मूथ सॉफ्ट बनाती है और निखारने में सबसे बेस्ट होती है। हल्दी एक प्राचीन टाइम से हमारे पास चली आ रही है, जो हमारे चेहरे को निखारने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, 1/4 चम्मच हम हल्दी का लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑरेंज पिल पाउडर डालेंगे। ऑरेंज पिल पाउडर जो होता है दोस्तों, संतरे के छिलके का पाउडर, जो हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, क्लीन करता है। विटामिन सी होने के कारण ये हमारे स्किन से बैक्टीरिया को खत्म करता है, नष्ट कर देता है उन्हें, और स्किन पे जो शाइन लेकर आता है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो ऑरेंज पिल पाउडर डालना बिल्कुल मत भूले। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल, जो स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाती है। अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई है तो गाइज, आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स नारियल के तेल की डाल सकते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है, ड्राई नहीं होने देता। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। डालना है इसमें गुलाब जल ताकि पेस्ट बन जाए। तो इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, नेक एरिया पे भी लगाएं, ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पैक ड्राई हो जाए तो हल्की सी मसाज करते हुए ठंडे पानी से इसे वॉश कर ले। और दोस्तों, अब आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें हम मॉइस्चराइज करेंगे। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आपके पास अगर कोई भी मॉइस्चराइजर है आप वो यूज करें जो आपको सूट करता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा से स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए और बस छोड़ दीजिए, आपने इसे धोना नहीं है, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करती है, स्किन को क्लीन रखती है, स्मूथ बनाती है, सॉफ्ट करती है। तो दोस्तों, एलोवेरा जेल को अगर आप रात को भी लगाकर सो जाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो घर पर आप करें गोल्ड फेशियल, जो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है और पार्लर में बहुत ही कॉस्टली हमें पड़ जाता है। तो गाइस, इसे करिए और एक नेचुरल तरीके से अपने चेहरे पर ग्लो लेकर आइए और चेहरे को एकदम शाइनी सा बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स है सब्सक्राइब का और एक बेल आइकन भी है, दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नया अपलोड करूं तो उसका जो मैसेज है, उसकी जो नोटिफिकेशन है, आपसे स्किप ना हो पाए और आप मेरा वीडियो देख पाए। तो गाइस, मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।